अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इदारे न्यूज़ से मैं हूँ माहा खान। आपको एक आम खबर से आगाह करते चलें, नवाज शरीफ की वालदा बेगम शमीम अख्तर का जस्दे खाकी लाहौर पहुँचा दिया गया है। नवाज शरीफ की हमशीरा भी मैयत के साथ लाहौर पहुँची। कायदे हिज़्बे इत्तेलाफ शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने लाहौर एयरपोर्ट पर मैयत वसूल की, जिसे शरीफ मेडिकल कम्प्लेक्स जाति उमरा पहुँचा दिया गया। वाज़े रहे कि हुकूमत पंजाब ने वालदा की नमाज जनाजा और तदफीन में शिरकत के लिए गुज़िश्ता रोज़ शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को 5 रोज़ा पेरोल पर सेंट्रल जेल कोट लखपत से रिहा किया था। पेरोल कवायद के तहत शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की रिहाइश गाह सब जेल करार दी गई है और जेल का अमला उनके साथ रहेगा। लंदन में भी नवाज शरीफ की वालदा की नमाज जनाजा अदा की गई थी। बरतानिया में सख्त लॉकडाउन के बायस बेगम शमीम अख्तर की नमाज जनाजा में सिर्फ 30 अफराद ही शरीक हुए। वहाँ पर बेगम शमीम अख्तर की नमाज जनाजा में नवाज शरीफ, सलमान शहबाज, आबिद शेर अली, नासिर जंजुआ, डॉक्टर अशरफ चौहान, नासिर भट्ट और दीगर शामिल थे। नमाज जनाजा के बाद मैयत को पाकिस्तान भिजवाने के लिए हैथरो एयरपोर्ट पहुँचाया गया था। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ की वालदा की तबीयत गुज़िश्ता 1 माह से ही ख़राब थी, लेकिन गुज़िश्ता चंद रोज़ से उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और उनका इंतकाल लंदन में एवनफील्ड अपार्टमेंट्स में हुआ। ख़ानदानी ज़राए के मुताबिक बेगम शमीम अख्तर के सीने में शदीद इन्फेक्शन हो गया था, उन्हें अल्जाइमर की बीमारी भी लाहक थी। जी नाज़रीन, तो ये थी अब तक की तफसीलात। मज़ीद खबरों और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को विज़िट करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। स्टे ट्यून्ड।